नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जो डीप स्टेट के एसेट हैं, हर समय लाइमलाइट में रहने के लिए बेचैन रहते हैं, यानी कि उन्हें सुर्खियां मिलती रहनी चाहिए। हर समय उनकी स्क्रीन पर तस्वीर लोगों को दिखती रहनी चाहिए। अपनी इसी आदत की वजह से अब वो अपनी ही पार्टी की नज़रों में गिरते जा रहे हैं। और शीशमहल में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसे वो दिखाने से, उसके उजागर हो जाने से डर रहे हैं, डर रहे थे। इतना बड़ा नाटक किया, पहले सही प्रोसीजर ना अपना करके सुर्खियों में बने रहे, लेकिन आतिशी को हंसी का पात्र बना दिया। चाबियां नहीं देने का क्या राज और सही प्रोसीजर नहीं अपनाने के पीछे क्या वजह रही और क्यों आतिशी को मजाक बनने पे मजबूर किया और क्यों आतिशी भी केजरीवाल के कहने पर आंख मूंद करके चली जा रही है, इसी पर दोस्तों बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे वही विनम्र निवेदन, आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सभी राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखिए। तो फाइनली पीडब्ल्यूडी ने ऑफिशियली 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के आधिकारिक निवास के रूप में अलॉट कर दिया है। अब इसके लिए चिट्ठी भी जारी की गई है, ज़रा उस पर भी नज़र मार लीजिए। ये शुक्रवार को चिट्ठी इन्हें जारी की गई है। तो सवाल ये है, इस पर भी मैं आती हूँ कि इनको, इनका जो शीश महल है वो मिल गया है, लेकिन केजरीवाल की टीम के नाटक देखिए। अब दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय है, मतलब A to Z सभी इसमें शामिल हैं। इनकी नौटंकी टीम में दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय है, उसे केजरीवाल ने सरकारी खजाने से करीब करीब 87 करोड़ रुपया खर्च करके बनवाया है। और अगर आप उसको देख लें तो 7-स्टार होटल भी फीका पड़ जाए। दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई लूट करके इन्होंने वो दफ्तर तैयार किया है, यानी कि फुली ऐशो आराम के साथ। लेकिन अब मैंने आपको वो वीडियो दिखाई कि ये कुछ कार्टन्स के बीच में अपना काम निपटा रही हैं। एक वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी करवाया, इनका नाटक देखिए, और वहाँ पर ये काम कर रही है। खैर, सही लगा मुझे कि किसी फाइल पे साइन तो कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल तो किसी फाइल पे साइन भी नहीं करते थे, लेकिन नाटक करने के लिए आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी कुर्सी के बगल में रख ली, उसका फोटोशूट कराया, यानी कि खड़ाऊ रख करके 4 महीने तक दिल्ली की सरकार चलाएंगी। तो ये जो नाटक नौटंकी है ना, ये इनको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, हर चीज में नाटक। अब यही बंगला जो इन्हें अब मिला है, अगर सही तरीके से इन्होंने प्रोसीजर अपनाया होता तो इतना बवाल, इतना इनको सुर्खियां नहीं मिलती मेरे ख्याल में। हम पहले जरा ये सुन लेते हैं विजेंद्र गुप्ता जी को ये क्या कह रहे हैं। आतिशी मार्लेना को 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो बंगला है वो अलॉट हो गया है, पीडब्ल्यूडी ने अलॉट कर दिया है। हमारा कहना है कि अगर पीडब्ल्यूडी को अरविंद केजरीवाल जी विधिवत रूप से उसको पोजीशन दे देते, चाबी सरेंडर कर देते, तो शायद कई दिन पहले ये बंगला आतिशी को अलॉट हो जाता। लेकिन आम आदमी पार्टी की फितरत कि जिस तरह से कानूनों का उल्लंघन करना, नियमों को तोड़ना और चाबी को ना देना, जो उनके अपने अंदर का जो डर है शीश महल को लेकर के, वो पब्लिक ना हो जाए, लोगों को उसकी जानकारी ना आ जाए, इसलिए उन्होंने सीधा चाबी आतिशी को दी। और आतिशी ने भी एक एनार्किस्ट की तरह वहाँ बिना अलॉटमेंट के, बिना नियम के, बिना कानून के वहाँ पर
एंटर किया और ये दिखाया कि ये घर पर कब्जा मेरा हो गया है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी को, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, ये देश कानून से चलता है, इस देश में राजा हो या रंक, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आतिशी अलॉटमेंट का इंतजार करती और विधिवत अलॉटमेंट के बाद वहां पर आती तो शायद इस तरह की स्थिति जो पूरे देश ने देखी, आम आदमी पार्टी की जो असलियत लोगों के सामने आई कि किस तरह से एनार्किस्ट हैं ये लोग, किस तरह से इनकी मानसिकता है, किस तरह से अराजकतावादी है और किस तरह से ये पूरे मामले में बेनकाब हुए हैं। हमारा ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने जिस तरह से विधिवत सारी चीजों को किया है उसके लिए मैं विभाग, जिसको हमने कहा और हमने मांग की थी कि अगर कानून का पालन नहीं होता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और वो तो सही कह रहे हैं क्योंकि जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो तो करना ही चाहिए। अब देखिए, आतिशी को शीश महल मिल गया, लेकिन सोच कर देखिए इस तरीके का नाटक, इतना सारा नाटक किया और अरविंद केजरीवाल ने किस कदर आतिशी का भी मजाक बनवाया ना पूरे एपिसोड में। पहले सामान गया, फिर सामान निकाला, मतलब पहले लिटरली उनका सामान फेंका गया ना। समझिए, कुछ गलती तो आतिशी मार्लेना की भी है, आफ्टरऑल शी इज़ अ सीएम, भले ही वो खड़ा हुआ सीएम है लेकिन यहाँ से तो उनके दिमाग में कुछ है ना, खाली तो नहीं है। केजरीवाल को, केजरीवाल की जो चालाकी उन्हें समझ क्यों नहीं आई, और किस चालाकी से सुनीता केजरीवाल ने चाबियां देते हुए फोटोशूट करवाया और फिर चाबियां वापस लेकर के आतिशी को दे दी। क्या केजरीवाल नहीं जानते थे कि ये गलत प्रैक्टिस है? चाबी और आवास का हैंडओवर पीडब्ल्यूडी को किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन ऐसा न करके केजरीवाल ने एक तमाशा कर दिया। अब मैं आपको इनके तमाशे अगर याद देना लगूं तो ये प्रोग्राम इतना लंबा हो जाएगा। आप याद कीजिए, ऐसे ऐसे तमाशे केजरीवाल करते रहे हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहा था, दूसरी तरफ केजरीवाल का जेल से नाटक चल रहा था। कभी इनकी डाइट चार्ट को लेकर के, कभी इनके इंसुलिन को लेकर के, कभी इनके हेल्थ बुलेटिन को लेकर के, यानी कि फुल ड्रामा एवरी डे। कभी जमानत याचिका को लेकर के, तो कभी ये कहकर के कि सीबीआई ईडी ने इन्हें गलत फंसा दिया है, कभी ये कहकर के कि ईडी ने तो इनको जमानत दे दी, अब सीबीआई का क्या मतलब है इन्हें अरेस्टिंग करने का, ब्ला ब्ला। यानी कि पूरे चुनाव में केजरीवाल ने कोशिश की कि हर दिन वो सुर्खियों में रहे। अब शीश महल को लेकर के, अच्छा जमानत पर आते ही इस्तीफा और फिर सभी सुविधाओं को त्यागने की घोषणा, ये भी एक तरीके से ड्रामा था। अरे आप इतनी ईमानदारी का ढोल पीटते हैं मिस्टर केजरीवाल, अगर आप इतने ईमानदार थे तो आपने उसी दिन इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब आपको ईडी ने पहला नोटिस दिया था, पहला सम्मन दिया था? तब तो आप चोरों की तरह छिपते घूम रहे थे, तब आपकी ईमानदारी कहाँ गई थी? अब जमानत पर जैसे ही बाहर आए तो देखा कि अब हाथ में तो कुछ है नहीं। मैंने आपसे पहले भी इनके इस्तीफे पे बात की थी कि इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और इन्होंने आतिशी को क्यों मोहरा बनाया, क्योंकि इन्हें अब रेवड़ियां दिखाई चुके हैं, ये रेवड़ियां बांटनी है और उसके लिए घोषणाएं करनी है, फिर आगे से उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, क्योंकि इनको यानी कि जब ये जमानत से बाहर आते हैं इन्हें तो किसी चीज़ पे साइन करने की इजाज़त ही नहीं, क्योंकि इनके गले में शराब घोटाले का टैग लगा हुआ है, कहीं साइन कर नहीं सकते, सीएम ऑफिस जा नहीं सकते, तो फिर लोगों को देते क्या? इसलिए इन्होंने एक डमी सीएम बना दिया और कह दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ रहा हूँ, अपना आवास भी छोड़ रहा हूँ। शीश महल की बात करें तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि शीश महल के आवंटन में जो एक प्रोटोकॉल है उसको क्यों इन्होंने इग्नोर किया? ये जो सीएम, पूर्व सीएम कहिए अब तो, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए जो एक जवाबदेही बनती है,
उस डर से उपजा है। 150 करोड़ रुपए का शीश महल मतलब भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण है। खुद केजरीवाल को ये पता है और उन सब चीजों पे पर्दा डालने के लिए इन्होंने चाबियां सौंपने का एक ड्रामा किया और चाबियां आतिशी को दे दी। अच्छा, ये अपने आप में जो इनकी ये चालाकी जो है ना, बड़ी चिंताजनक है। ये जो माइंड सेट है इनका, ये बताता है कि ये किस हद तक जा सकते हैं। अब इस अनुचित काम में पकड़े जाने पर मुख्यमंत्री आतिशी ने नाटक का सहारा लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने जहाँ पर ये काम कर रही हैं वहाँ पे कार्टन रखे हुए हैं, उसके बीच में फोटो शूट करवाया, मतलब हर चीज़ का फोटो, हर चीज़ का वीडियो, और उसे फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल देना, लोगों को ये दिखाना कि इनके लिए तो कोई जगह नहीं बची। अरे, सेक्रेटरिएट में 87 करोड़ रुपए का आपका ऑफिस बना हुआ है, आपने वहाँ बैठ के काम क्यों नहीं किया? सवाल ये है ना। तो आपके ड्रामे सबको समझ आ रहे हैं, जबकि इनके पास बंगला भी है। सच तो ये है, इनके पास बंगला भी है जो इन्हें अलॉटेड है, जहाँ पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहा करती थी। ये जो इन्होंने दिखाया है महज एक ड्रामा था, जिसे छिपाने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा गया। अब फाइनली आतिशी को शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास सौंप दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने अपना प्रोसेस पूरा किया, उसके बाद आतिशी को 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर जो बंगला है जिसके लिए इतना बवाल हुआ, वो उनको मिल गया है, जिसमें पहले अरविंद केजरीवाल रहते थे और जिसमें स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई थी। अब ये पिटाई वाला कांड जो है हमेशा के लिए उस सीएम हाउस के साथ जुड़ गया है। इससे पहले आपको याद है बुधवार को फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास को सील कर दिया गया था। कितना मजाक बना उस समय आतिशी का, ये आतिशी अच्छा से समझ रही हैं, लेकिन वो करें क्यों? और सवाल उन पर भी तो उठ रहा है कि वो ऐसा तमाशा क्यों बना रही हैं अपना, क्यों आंख बंद करके केजरीवाल को फॉलो कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी ने लिटरली इनका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। अब इसके पीछे की कहानी भी आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को अपना रेजिडेंस खाली किया था। 3 दिन पहले ही आतिशी इसमें रहने आ गई थी और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं बुधवार की सुबह 11 बजे जो उनका टाइम होता है वो लोग आ गए, और उनके मुताबिक घर का जो हैंडओवर है करने में चूंकि नियमों का पालन नहीं किया गया था, उन्होंने चाबियां ली आतिशी से और सामान उनका बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके पास दस्तावेज भी नहीं थे। नो, ये सारा ड्रामा जो है ये उपज है अरविंद केजरीवाल के दिमाग की। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि क्या आतिशी को भी इसकी समझ नहीं थी इसको लेकर के? बाद में इन्होंने क्या ड्रामा करा, मतलब एक विक्टिम कार्ड खेलना था, सारा खेल ये है। और इन्होंने क्या कहा कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती सीएम आतिशी का सामान बाहर निकाला, ये सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारी हो रही है, जहां तक इन्होंने कह दिया। भाजपा 27 साल से दिल्ली में सरकार से बाहर है, अब वो सीएम आवास हथियाना चाह रही है, जहां तक बातें कही गई। ये विक्टिम कार्ड का कोई मौका नहीं छोड़ते, सारा ड्रामा इसलिए किया गया। अब इसे आप समझिए कि डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेजा है। 2 और अधिकारी हैं जिनको अरविंद केजरीवाल के सीएम रहते समय सीएम कैंप में वो लोग तैनात थे, उनसे पूछा गया कि आपको जब साफ साफ कह दिया गया था फिर भी आपने चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी? इन अधिकारियों को अब 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया, मतलब ये भी फंस गए। और फंसे क्यों? अरविंद केजरीवाल की वजह से। अब उस बंगले में कौन से ऐसे राज छुपे हैं जिसको ये सब लोग मिल करके छिपाने की कोशिश कर रहे थे? और फिर देखिए, आपने 2 ट्रकों में अपना सामान ले जाकर के अच्छा ड्रामा किया, मतलब अरविंद केजरीवाल ने जो 2 ट्रक का एक शूट करवाया, मतलब एक तो हर चीज का शूट फोटो ये ऐसे रखते हैं ताकि सनद रहे, ताकि लोगों को पता चल जाए, मतलब इन्हें ड्रामे इतने ड्रामे कि आपसे क्या क्या शेयर किया जाए।
और शुक्रवार को बंगला आतिशी को अलॉट हो गया, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश किया ना, वो वाकई में इल्लीगल वे था। आतिशी को पहले ही एक बंगला मिला हुआ है, तो फिर दूसरा बंगला उसने लेने की क्यों कोशिश की? क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। अब ये भी एक साजिश है। बंगला तो आतिशी को मिल गया है, अब बंगला भी केजरीवाल अभी भी देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के पास है, और यही वो चाह रहे थे। लेकिन थोड़ा सा बीच में ड्रामा हो गया, अब नाटक नौटंकी करनी भी जरूरी ऐसा लग रहा है, और ये नाटक नौटंकी के बीच कुछ सामान भी वहां से हटाए जाने की जानकारी आ रही है। अभी देखिए, इन्होंने आतिशी को ये बंगला दिया है, ठीक है, लेकिन अभी इसमें अगला नाटक आप फिर देखेंगे, और इसके बारे में जो भी अपडेट मेरे पास होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज वीकेंड है, आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।